हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज बात करने वाले हैं उन भाइयों के बारे में जिनके पेनिस में बहुत लूजपन है, जिनके लिंग में ढीलापन है और जहां उसको जाना चाहिए वहां वो पहुंच ही नहीं पाता, एंटर नहीं हो पाता, अंदर नहीं हो पाता, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले खास बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों जितने भी नुस्खे बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप देख के फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए जब हमारे पेनिस में बहुत ज्यादा लूजपन हो, ढीलापन हो? आपने बहुत सारे तिले का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसा तिला बताने वाला हूं कि 3 दिन में उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा एकदम। चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 10 दिन, 20 दिन, जितना आप बेटर समझें, जितना आप इसको अच्छा करना चाहें पेनिस को, इतने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताऊंगा कि 3 दिन में इसका बहुत शानदार रिजल्ट आ जाएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा कि आपका काम चल जाएगा, फिर आपको किसी ट्यूब, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको ये बता दें कि पेनिस में लूजपन आता क्यों है। दोस्तों हमारे जो पेनिस में नसें होती हैं उसमें ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, वो डैमेज होती हैं, और डैमेज कैसे होती हैं, वो ब्लॉक कैसे होती हैं, या तो हमारे बचपन के हाथ की गलतियों से होती हैं, या फिर छोटी उम्र में ज्यादा सेक्स करने की वजह से हो जाती हैं, या फिर बॉडी में ज्यादा ही वीकनेस आती है तो होती हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए कुछ अंग्रेजी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर की जो दवाइयां खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो किडनी डैमेज हो जाती है, गुर्दे को नुकसान पहुंचता है उस दवाइयों से, जिसकी वजह से इरेक्शन आना बंद हो जाता है और वो स्टैंड नहीं हो पाता, तो हमें लगता है कि लूज बना रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे गुर्दों में ताकत नहीं है, किडनी में ताकत नहीं है, तो हमारे पेनिस स्टैंड नहीं होगा। और आप जितनी भी ऐसी वक्ती तौर की दवाई खाते हैं, वक्ती तौर मतलब सेक्स टाइमिंग बढ़ाने की, क्या अभी ये टेबलेट खा लो और 2 घंटे बाद चले जाओ, 1 घंटे बाद करने चले जाओ, तो दोस्तों ऐसी दवाइयां बहुत नुकसान देती हैं। इस पे मैं एक मुकम्मल वीडियो, पूरा वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, आप इसको जरूर देखना और देखना कि कितना नुकसान देती हैं आपको, आपकी लाइफ को। ये समझ लीजिए कि ये जिंदगी बहुत ही कम करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान देती हैं, जिंदगी घटा देती हैं। इसकी पूरी वीडियो अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। चलिए वो तिला बताता हूं जिसके लिए मैं आज आपके सामने हूं। आपको लेना है शहद, और शहद ओरिजिनल होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, समझ रहे हैं? ओरिजिनल का मतलब जो मधुमक्खी का जंगल में छत्ते लगे होते हैं वो वाला शहद होना चाहिए। एक तो ये पालन वाला होता है, इस पे मेरा यकीन कम है क्योंकि ये तो चीनी खिला के बनाया जाता है। तो आपको लेना है वो वाला शहद जो मधुमक्खी का होता है और छत्ते से तोड़ा जाता है, जो जंगल में पेड़ों पे लगा होता है, समझ रहे हैं? ओरिजिनल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, उसकी क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है लहसुन। लहसुन तो हर घर में पाया जाता है, किचन के अंदर आपने देखा होगा। तो लहसुन आप उसको अच्छी तरीके से छील लें, ठीक है, उसका छिलका हटा लें। छिलका हटाने के बाद उसको खरल में डालें, मतलब उसको बारीक पीस लें, और इतना बारीक पीस लें कि हाथ से आप महसूस करेंगे कि उसके अंदर कोई रेजा ना रहे, मतलब एहसास ना हो कि हमारे हाथ में ज्यादा कुछ है, ठीक है। उसको बहुत अच्छी तरीके से पीस लें, और इतना पीस लें कि बिल्कुल मरहम बन जाए वो, समझ रहे हैं, एक ट्यूब की तरह बन जाए, इतना पीस लें उसको। पीसने के बाद उसमें शहद एंटर करके फिर थोड़ी देर और पीसें। दोस्तों ये आपका तिला तैयार है, लेकिन आपको यूज कैसे करना है? अगर आप इसको अच्छे से यूज कर लेंगे इतना ही शानदार रिजल्ट आएगा। दोस्तों आपको सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी लेना है, ठीक है। हल्का गर्म पानी लेने के बाद एक सूती कपड़े से पेनिस को अच्छे तरीके से साफ करना है, जैसे कि सपोज ये मान लीजिए इसको इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में अच्छे से साफ करना है गुनगुने पानी से, गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से, समझ रहे हैं? जब ये हो जाए इसके बाद तो एक उंगली से तिला लेके और इस पे चारों तरफ लगाएं, आगे का हिस्सा छोड़ के। दोस्तों ये आप सिर्फ 3 दिन इसका करिए, क्योंकि मैंने गर्म पानी जो बताया वो इसलिए बताया कि जब हम गर्म पानी से किसी भी चीज को, शरीर के किसी भी अंग को धोते हैं, तो हमारी जो ब्लॉक नसें भी होती हैं वो भी खुलने की क्षमता रखती है, खुल जाती है, क्योंकि वो मुलायम हो जाती है, नर्म हो जाती है। इसलिए तिला बहुत ही शानदार काम करेगा। आपने बहुत सारे अच्छे अगर तिले लगाए हैं तो उसकी एक काम ना करने की वजह यही है कि वो एंटर नहीं कर पाया, समझ रहे हैं? एंटर का मतलब कि वो अंदर नहीं पहुंच पाया। आप गर्म पानी पहले थोड़ा इस्तेमाल करें उस पर और फिर लगाएं, क्योंकि ये चीज नर्म हो जाएगी तो कोई सा भी तिला एंटर करेगा, कोई सा भी तिला फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि नसों तक वो पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है आपको फायदा मिलेगा। तो ये ब्लॉक नसें हों, डैमेज नसें हों, या किसी वजह से इरेक्शन नहीं आ रहा हो, ये 3 दिन में ना मर्द को भी मर्द बना देता है। उम्मीद करता हूँ नुस्खा पसंद आया। दोस्तों अगले वाले जो नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ वो यही बताऊंगा कि जो वक्ती तौर की सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए दवाइयां खाते हो आप, वो कितना नुकसान देती है और क्या क्या नुकसान देती है, और उसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है।
और आप ये मान लीजिए कि वो जिंदगी बहुत ही कम कर देते हैं, अगर आप रेगुलर खाएं तो मेरे हिसाब से 2 साल जिएंगे। चलिए इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन भाइयों को जरूरत है वो इसको देख के फायदा उठा सकें।